एवरीवन, आज हम बनाएंगे शाही पनीर या पनीर बटर मसाला, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ 250 ग्राम्स मैंने पनीर लिया है, और मैंने लिया है गार्लिक, काजू, टमाटर और प्याज। इन सबको डाइस कर लेना है हमें, अनियंस को और टमाटोज को। हम एक पैन लेंगे या एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें तेल गरम करेंगे लगभग 1.5 चम्मच, और उसमें जीरा डालेंगे, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ये क्रैकल होने लगेगा, हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अनियंस, मैंने यहाँ पे 1 अनियन लिया है। हमें टमाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है, अनियन की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं रखना है, तभी वो फ्लेवर आएगा जैसा कि आपको बाहर मिलता है। अब हम अपने टमाटोज को भी डाल देंगे इसमें। अब हम कैश्यू ऐड करेंगे और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। गार्लिक भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे और सबको मशी होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हम लगभग 1 फुल स्पून डालेंगे। थोड़ी सी चीनी डालनी है हमें, लगभग आधा से 1 चम्मच। मैंने धनिया पाउडर डाला है यहाँ पे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है हमें, हमें लो टू मीडियम फ्लेम रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है और ये 1 कप पानी, इसको अच्छे से चलाएंगे हम, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर इसे ढक के अच्छे से कुक होने देंगे। जब हमारा पेस्ट जैसा बन जाएगा, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, हमारा टमाटो, अनियन, कैश्यू सब अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हमें इसे बंद करके ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करके ब्लेंड कर लेना है एक स्मूथ पेस्ट में। अगर आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होएगी तो आप इसमें वाटर भी डाल सकते हैं, और एक स्मूथ ऑरेंज पेस्ट हमें बनाना है, ऐसा, बिल्कुल ऐसा स्मूथ। उसी कढ़ाई में हम एक स्ट्रेनर डालेंगे और उसमें हम अपने इस पेस्ट को स्ट्रेन कर लेंगे। किसी भी स्पून या स्पैचुला की हेल्प से आप इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। देखिए कितना सिल्की स्मूथ हमारी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल बाहर जैसी, रेस्टोरेंट जैसी, और टेस्ट भी आपको बिल्कुल बाहर जैसा ही लगेगा। अच्छे से हमें स्ट्रेन कर लेना है, बस हमारी जो अनियंस के जो स्किन है वही हमें मिलेगी उसमें, स्ट्रेनर में, बाकी सारी जो हमारी ग्रेवी की गुडनेस है वो सारा हमारा कढ़ाई में होगा। हम फिर से अपने गैस को ऑन कर लेंगे और इसे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके 1/2 टेबल स्पून के करीब, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क ऐड किया है, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनेगी। अब जैसे इसमें बॉईल आ जाए फिर से मिल्क डालने के बाद, तो हम अपने डाइस्ड पनीर को इसमें डाल देंगे।
देखिए कितना कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट जैसा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनी है हमारी। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, करीबन 3 से 4 मिनट बस, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें क्योंकि हमारी ग्रेवी ऑलरेडी पकी हुई है। अब पनीर ज़्यादा टाइम लेता नहीं है पकने में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो हमारे पनीर का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा जो है वो उसमें नहीं रहेगा, फिर वो च्यूई हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा पनीर। तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक। बस इसको आप सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लें, ऊपर आप थोड़ा सा बटर डालें। आखिर ये पनीर बटर मसाला है तो बिना बटर के कैसे होगा। तो हम इस पर थोड़ा सा बटर डालेंगे और क्रीम से इसे अच्छे से गार्निश करेंगे। हमारा शाही पनीर या पनीर बटर मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी होता है। आप सब ज़रूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।